दो दिवसीय दौरे पर अपने गृह जनपद पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दौरे के दूसरे दिन 284.58 लाख की लागत से निर्मित रोडवेज के नौसड़ बस स्टेशन का विधिवत लोकार्पण किया तथा बस स्टेशन से वाराणसी के लिए हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया। इसके बाद सीएम योगी ने स्टेशन परिसर में वृक्षारोपण भी किया। आपको बता दें कि नौसड़ बस स्टेशन से वाराणसी, प्रयागराज, मऊ, आजमगढ़, बड़हलगंज, धोरीघाट इत्यादि स्थानों हेतु यात्रा सुविधा शुरू हो जाएगी। नौसड़ बस स्टेशन के संचालित होने से अस्थायी तौर पर पेडलेगंज से चल रही रोडवेज की बसों के कारण रोजाना लग रहे जाम की समस्या से निजात मिलेगी। नौसड़ बस स्टेशन पर यात्रियों को अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी तथा शुद्ध पेयजल, टिकट काउंटर, शौचालय आदि सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। इसके अलावा पूछताछ केंद्र व वेटिंग हॉल का भी निर्माण किया गया है। LED स्क्रीन पर बसों के आवागमन की जानकारी लगातार मिलती रहेगी। गौरतलब है कि नौसड़ बस स्टेशन का निर्माण कार्य अक्टूबर 2017 से प्रारंभ हुआ और कार्य पूर्ण करने की लक्षित तिथि जुलाई 2019 में थी, जो समय से पूर्ण हो चुका है। चार दीवारी का कार्य भी पूर्ण है। बस स्टेशन का निर्माण राजकीय निर्माण निगम द्वारा कराया गया। इस मौके पर महापौर सीताराम जायसवाल, विधायक डॉ राधा मोहन दास अग्रवाल, शीतल पांडे, विपिन सिंह, क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉ धर्मेंद्र सिंह, महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव, मंडलायुक्त जयेंद्र नारिकल, ADG दावा शेरपा, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, MD UPSRTC डॉक्टर राजशेखर, CGM राजेश वर्मा, GMHO राजीव चौहान, इंजीनियर इरफान, RM DB सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। परम पूज्य महाराज जी का स्वागत एवं अभिनंदन करें। इसके बाद मैं जो सदस्यता अभियान का जो कार्यक्रम चल रहा है, इसके लिए महानगर के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय राहुल श्रीवास्तव जी शंकर मधवर नागेंद्र कुमार श्रीराम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं आपके कर कमलों द्वारा जो बनारस में वाराणसी से इसका शुभारंभ किया गया और तत्पश्चात संपूर्ण देश में एक साथ सभी लोग मोबाइल पर टोल फ्री नंबर को मिलाएंगे और टोल फ्री नंबर के बाद उसको ऊपर सदस्यता अभियान कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष शिवेंद्र दत्त शुक्ल जी, महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव जी, क्षेत्रीय मंत्री और क्षेत्रीय सदस्यता प्रमुख श्री प्रदीप शुक्ला जी, संख्या में उपस्थित सभी इस क्षेत्र के सब्जी व्यवसायी संघ से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आप सबका आज इस सदस्यता अभियान के लिए विशेष आयोजन में आपका हृदय से स्वागत करता हूं। आप सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में विगत सस्ता अभियान में दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनी। एक ऐसा नेतृत्व आज भारतीय जनता पार्टी के पास है जिसने न केवल भारत के अंदर शासन प्रणाली की पारदर्शिता और उच्च आदर्शों को आम जन के मन में रखते हुए एक विश्वास और विकास की राजनीति को एक गति दी है, साथ ही साथ दुनिया के अंदर भी भारत के प्रति एक नया विश्वास प्रगाढ़ हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत दुनिया की
एक महाशक्ति के रूप में स्थापित होने की ओर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। एक तरफ देश को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी संगठन को आदरणीय अमित शाह जी का नेतृत्व और उस यशस्वी नेतृत्व के साथ जुड़ करके बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को प्रत्येक गरीब तक पहुंचाने, शासन की योजनाओं को बिना भेदभाव के, न जाति किसी की देखी, न क्षेत्र, न भाषा, न मत, न मजहब, न संप्रदाय, गरीबी को आधार मान करके हर गरीब को प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत योजना के अंतर्गत शौचालय की उपलब्ध कराने की योजना, विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध कराने की सौभाग्य की योजना, रसोई गैस की योजना, प्रत्येक गरीब को उपलब्ध कराने का कार्यक्रम, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में प्रत्येक किसान को 6,000 रुपए सालाना देने की व्यवस्था हुई है, जीवन में व्यापक बदलाव लाने और उनके जीवन स्तर को उठाने का एक क्रम है। मुझे आज प्रसन्नता है कि गोरखपुर में मुझे सब्जी व्यवसायी और खासतौर पर पटरी में जो सब्जी बेचते हैं, ऐसे व्यवसायियों को, लगभग 400 की संख्या में ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। यद्यपि ये लोग पहले से ही हमारे साथ जुड़े रहे हैं और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, हमारी सरकार ने भी तय किया है कि एक तरफ ये जितने भी पटरी व्यवसायी हैं, ठेला खोमचा रेड़ी लगा करके जहां तहां लोग अपना व्यवसाय करते हैं, इनका व्यवस्थित पुनर्वास करते हुए इनके व्यवसाय को और इनके रोजगार की सुनिश्चित व्यवस्था कराने की दिशा में जहां कार्यक्रम प्रारंभ हो रहे हैं, हमने कल गोरखपुर के बारे में भी एक कार्य योजना बनाई है और गोरखपुर में नगर निगम को, जीडीए को और जिला प्रशासन को कहा है कि गोरखपुर में 9,000 ऐसे पटरी व्यवसायियों को जो सब्जी भी बेचते हैं, ठेला खोमचा रेड़ी लगाते हैं, इन सबको व्यवस्थित पुनर्वास की व्यवस्था हो जिससे इनकी रोजी रोजगार की एक सुनिश्चित व्यवस्था वहां पर इनको दी जा सके। और उस क्रम में 9,000 ऐसे लोग चिन्हित किए गए हैं जिनको व्यवस्थित पुनर्वास की कार्य योजना को हम लागू करने की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बाद अब इन पटरी व्यवसायियों को भी एक निश्चित पेंशन की योजना से जोड़ने की कार्रवाई आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषित की है और इसी क्रम में इनका रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई भी प्रारंभ हुई है। मेरा प्रयास होगा, हमारी सरकार का प्रयास होगा कि इन सब के जीवन में भी खुशहाली आए, आर्थिक स्वावलंबन की ओर सब अग्रसर हों, ये लोग भी समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके विकास की प्रक्रिया को न केवल अपना विकास करें अपितु भारत के विकास और प्रदेश के विकास की प्रक्रिया में भी अपना योगदान दे सकें। इस विश्वास के साथ आज आप सबको यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। इसमें एक टोल फ्री नंबर मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, अपना मोबाइल फोन ऑन कर उठाइए पहले हाथ पे, 8980808080, यानी ये नंबर मैं फिर से बोल रहा हूँ, 8980808080, ये नंबर है। अब इसको आप इसके साथ बनेंगे, याद रखना ये मोबाइल फोन की बाद में वेरिफिकेशन भी होना है और जब भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से आपके पास जब इस प्रकार का संदेश आएगा, पूछा जाएगा कि ये नंबर आपका है, तो उस समय आप सही जवाब देंगे और किसने बनाया है ये भी बताएंगे। मैं बना रहा हूं इसलिए मेरा नाम बोल देंगे कि सदस्य मैंने बनाया है। ये एक आपको भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य बनाने की प्रक्रिया इसके बाद फिर होगी, लेकिन पहले सामान्य सदस्य बनाने के बाद आपका वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन के बाद फिर इस प्रक्रिया को हम लोग जांचेंगे, देखेंगे और कौन सही सदस्य बन पाया है इसके अनुसार आप भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य सदस्य के रूप में
आज आप बने हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि विकास की जिन योजनाओं को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी ने और प्रदेश की सरकार ने बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके के जीवन में खुशहाली लाने का कार्य किया है, उस विकास की प्रक्रिया के साथ हम सब जुड़ करके प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाने का कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। हम बहुत बहुत आभारी है आप आज के कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किए। आज के कार्यक्रम में जो भी यहाँ पर कार्यक्रम में जो भी लोग आए हैं जाएंगे नहीं, यहाँ पर दस्तखत कराया जाएगा। सबका जो भी सदस्य बने हैं उनका यहाँ पर दस्तखत कराया जाएगा।